सबसे पहले हम इस तरह का कोई 3D डिजाइन करना चाह रहे हैं और फिर आगे इसको हम यूज करेंगे मैलिंग के लिए। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ड को खोलना है। वर्ड जब हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ पर हमने यहाँ से एक न्यू कर लेना है और यहाँ से एक ब्लैंक अप्रॉक्सिमेट न्यूज लेटर लगा देना है। फ्लैट ऑल करके कंट्रोल डिलीट कर देना है। इसको क्लिक करके यहाँ से ठीक है इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इंसर्ट में जाके इसको एक बॉर्डर लगाएंगे। डिजाइन में जाके इस बॉर्डर पर यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है उसका एक कलर सेट कर देंगे और उसको ओके कर देंगे। ठीक है ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको लैंडस्केप करने के लिए लेआउट में जाके लैंडस्केप कर देंगे। ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है, एक फ्रेम बनाना है। इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाके यहाँ से क्लिक करना है फ्रेम से। से क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से कैप्स पे क्लिक करना है। नो ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है फिर शेप बनाना है इसके अंदर। ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है, काम करने के बाद यहाँ पर डेटा हमें ऐड करना है। इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट पर। लिख रहे हैं अवार्डेड कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है इसको हमने टाइप कर दे, क्लिक किया इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए हमने यहाँ से। ठीक है थोड़ा सा अब यहाँ पर टू ये सारे लेवल्स के तौर पे लिखे जाएंगे। यहाँ पर डेटा इंटर किया जाएगा तो इसको हमें कैसे बनाना है, इंसर्ट पे जा रहे हैं, मैं एक बना रहा हूँ फिर आपने बाकी उसको खुद बनाना है। इंसर्ट पे जाके यहाँ से एक वर्ड आर्ट ले लें। हम उसको एडिटिंग पे रख लेते हैं, काफी फॉन्ट हम उसका यहाँ से ले लेते हैं, तो ये वाला ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल डी
लास्ट पे क्लिक करते हैं इसे, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोनों को सेट करने के लिए दोनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, चाहे फॉरवर्ड पे जाएंगे अलाइन में बॉटम कर देंगे, छोटा बड़ा हो गया ये इसके साथ। ठीक है, इस तरह सेट कर देंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे नाम और कंट्रोल डी करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके कर देते हैं, उसके बाद हमने जो है इसका सरनेम का भी ऐड करना है, तो कंट्रोल ए करके थोड़ा सा जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं नॉर्मली, सही था। फिर यहाँ पर इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पे क्लिक करके और डुप्लीकेट करना है, इस तरह से अरेंज कर लेना है। अब बाकी भी इस तरह से नीचे के कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके सेट कर देना है। बाकी इसके लिए ये लाइन जो आपने लिखी है इंसर्ट में जाना है, वर्ड आर्ट लेना है, इसको कम कर लेना है 16 पे रख के, और इस पे जो भी लिखा हुआ है टाइप करके एक लाइन भी लगा के तो कंप्लीट कर देना। फाइनली इंसर्ट पे जाके जैसे ये लाइन लिखनी है फॉर आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख के इसको आप इस तरह से कोई नहीं फैक्ट डाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से इसको क्लियर कर लेंगे।